आज हम लोग बात करने वाले हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में, अर्थात एम्पियर के सर्किटल लॉ के विषय में। एम्पियर सर्किटल लॉ और उसका स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे हम प्रूव कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, और उसको जो है हम लोग बारीकी से समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप के फिजिक्स से संबंधित कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं इस तरह वीडियो बनाने के लिए। तो हमारा जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है, जैसे हम स्थिर विद्युतकी में गॉस के नियम का उपयोग करते थे किसी चालक के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, उसी प्रकार जो है हम यहाँ पर जो है एम्पियर के नियम का प्रयोग करेंगे। और विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी कंडक्टर और करंट कैरिंग वायर। तो इसमें जो है आज हम लोग प्रूव करेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। तो जैसे हमारा जो कथन दिया गया है इसका स्टेटमेंट क्या है, जैसे वहाँ पर होता था कि किसी स्थिर विद्युतकी में जो होता था कि गॉस के नियम के अकॉर्डिंग कि किसी चालक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो किसी काल्पनिक, अगर कोई गॉसियन पृष्ठ होता था वहाँ पे, और हम लोग जो है वहाँ पर उस गॉसियन पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स का जो मान होता था वो हमेशा उस फ्लक्स से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता था। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, इसका स्टेटमेंट भी वही कहता है कि अगर किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नाट गुना होता है। म्यू नाट यहाँ पर क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, अर्थात निर्वात की चुंबकशीलता है। तो निर्वात की जो चुंबकशीलता है वो I का म्यू नाट गुना होता है, अर्थात इसका जो स्टेटमेंट हो जाएगा फाइनली लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डी एल इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नाट I। तो इस तरह से हमको ये चीज़ मिलेगी, ये स्टेटमेंट है और यही हमको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कोई करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं एक्स वाई, मान लेते हैं कि ये कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें I करंट फ्लो हो रही है, और इस I करंट के कारण जो है किसी बिंदु P पर जो कि इस वायर से R डिस्टेंस पर स्थित है वहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पथ पर एक अल्पांश लंबाई का अवयव ले लेते हैं, अल्पांश लंबाई का अवयव ले लेते हैं। तो और उस अल्पांश लंबाई के अवयव को जो है हम इसी वृत्तीय पथ की जो वृत्तीय पथ की दिशा में लेते हैं, अर्थात हम उस जो हमारा अल्पांश लंबाई का है अवयव है वो इसी दिशा में लेते हैं, इस पथ की त्रिज्या की दिशा में, मतलब इस पथ की दिशा में हम लेते हैं ऐसे इस प्रकार। तो यहाँ पर हम ये हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा अर्थात डी एल, ये वेक्टर डी एल। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हम जो है पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, कैसे, जैसे ये हमारा जो तार है हम इसको मान लेते हैं कि तार हमारा ऐसे, जो हमारा ये बोर्ड है इसके ऊपर ऐसे तार रखा हुआ है, ऐसे आप समझ सकते हैं, ये इस तरह से बनाना संभव नहीं है लेकिन इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ इसके केंद्र पर सेंटर हम मान लेते हैं इसका O, तो ये जो हमारा सेंटर O है वहाँ पर एक तार जो है जिसमें I करंट फ्लो हो रही है वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इस प्रकार रखा है। तो हमें जो है इस तार के कारण हमें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को देखना है या चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नीट्यूड पता करना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके कारण किसी बिंदु की, अर्थात ये जो r डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r डिस्टेंस है। अब उसके बाद में जो है हम लोग क्या करते हैं कि बिंदु P पर एक अल्पांश लंबाई का एक अवयव ले लेते हैं। अब इसकी दिशा भी हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, जैसे अगर इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रही इस डायरेक्शन में, अर्थात इस डायरेक्शन में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी, मतलब इस तरह से, यानी हम कह सकते हैं कि अगर जो ये वृत्ताकार परिधि है परिधि की दिशा में जो अगर हम टेंजेंट ड्रा करें यानी स्पर्श रेखा ड्रा करें तो उसी दिशा में
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होगी, और जो हमने अल्पांश लंबाई का एक अवयव लिया है, स्मॉल एलिमेंट लिया है, उसकी भी डायरेक्शन उसी दिशा में होगी। तो इस प्रकार जो है दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री हो जाएगा। किसके किसके बीच के एंगल, अर्थात आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है बी और जो अल्पांश लंबाई है डी एल, इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि थीटा बराबर यदि जीरो है तो हमारा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कॉस जीरो, और ये बराबर हमको मिल जाएगा वन। ठीक है, अब हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अगले स्टेप में हमको जो है क्या करना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम, मैग्नेटिक का परिमाण हम पता कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो परिमाण होता है वो हमारा किसी चालक के कारण, या हम ऐसे कहें कि ये वृत्ताकार जो हमारा पथ बन रहा है, इस वृत्ताकार पथ के कारण इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमारा होता है म्यू नॉट आई अपान टू पाई आर। ये हमारा होता है म्यू नॉट आई अपान टू पाई आर, अर्थात वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है वहाँ पर। तो चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाएगा हमारा, इसको हम समीकरण एक कह लेते हैं। ठीक, फिर हम अगर ये चीज़ है जो हमारा परिभाषा से है, कथन से हमको क्या मिल रहा है, ये हमारा है लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, यहाँ पे वेक्टर होना चाहिए ऐसे, बी डॉट डी एल, और बराबर हम जानते हैं कि ए डॉट बी, अगर ए डॉट बी निकालते हैं, मान लो कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, और ए डॉट बी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, अर्थात यहाँ से हमको मिल जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा हम जानते हैं, कॉस थीटा हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कितना है, वन है, अर्थात ये हमारा हो जाएगा बी डी एल इंटू वन। तो ये हमको मिल जाएगा, बी हमारा कांस्टेंट है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और इसका परिमाण, तो बी को हम बाहर कर लेते हैं, और ये हमारा हो जाएगा डी एल। ठीक है, अब अगर हम, ये लाइन इंटीग्रल है अर्थात ये एक छोटी सी लंबाई है, ये यहाँ की डी एल जो है एक छोटी सी लंबाई है। अब यही जो छोटी छोटी लंबाई है, ये सभी छोटी छोटी लंबाई को हम क्या कर दे रहे हैं कि सबको अगर हम समाकलन कर देंगे तो समाकलन करने से हमको क्या मिलेगा कि ये पूरे पथ की लंबाई मिल जाएगी, अर्थात इस पथ की जो लंबाई है ये हमारा वृत्ताकार पथ है, तो वृत्ताकार पथ होने की वजह से ये इसकी परिधि की बराबर होगी, मतलब इस वृत्ताकार पथ की लंबाई जो है इसके परिधि की बराबर होगी। तो इसकी परिधि हम जानते हैं कितनी हो जाएगी, बी, और यहाँ पे ये इसका परिधि अर्थात इस पूरे की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी टू बाई आर, ये हमको मिल जाएगा। अब हम जानते हैं, अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण ये हमको यहाँ पर मिल गया बी डॉट डी एल, तो यहाँ से हमको मिल गया, अब हम कहें आगे से समीकरण एक से, तो समीकरण एक से हमको मिल जाएगा b का वैल्यू हम उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू, b का मान हम यहाँ पे पुट करेंगे तो म्यू नॉट आई अपान टू पाई आर इंटू, बी का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया और फिर मल्टीप्लाई में क्या है टू पाई आर, तो टू पाई आर यहाँ पे हो गया। फिर अब हम देखते हैं कि टू पाई आर और टू पाई आर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली हमको मिल जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर डी एल वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यही हमको प्रूफ करना था, यही है एम्पियर का सर्किटल लॉ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, और आपके सुझाव और आपके प्रश्न कमेंट बॉक्स में हम वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।